मुझे कैसे पढ़ना है ताकि मेरे क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में आते हैं तो मैं उसे अटेम्प्ट कर पाऊं। हेलो एवरीवन, आई एम विशाखा सिंह। I am a career psychologist at Plutus IAS. Today, I'm going to tell you about a two-year foundation course, which is going to start from 22nd of November. This is going to be an evening batch, the timings of which are 4 p.m. to 7 p.m. The course structure for this course is, initially, we are going to start your NCRTs. NCRT batch will be dedicatedly for 6 to 7 months. आपको NCERTs 6 से 7 महीना कराई जाएंगी डेडिकेटेडली UPSC के परस्पेक्टिव से, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अगर मैं NCERT पढ़ रहा हूँ तो मुझे कैसे NCERTs के साथ डील करना है, मुझे कैसे पढ़ना है ताकि मेरे क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में आते हैं तो मैं उसे अटेम्प्ट कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उस प्रिलिम्स और मेंस कराते हैं। वो एडवांस लेवल में चला जाता है कोर्स हमारा, जहाँ पे आपको प्रिलिम्स और मेंस दोनों पढ़ाए जाते हैं। मेंस में आपको डेडिकेटेडली आपको हर एक टॉपिक विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराया जाता है। उसके बाद आपको इस कोर्स में स्टडी मटेरियल मिलता है, जो कि 6 to 7 books होती हैं। ये 6 to 7 books कंपाइलेशन है सारी मल्टीपल रिसोर्सेज का, जैसे कि पॉलिटी की आपकी बुक होती है लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री की होती है बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स की होती है रमेश सिंह, आर्ट एंड कल्चर की है नितिन सिंघानिया। ये सारे बुक्स का कंपाइलेशन आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेगा। ये स्टडी मटेरियल के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर करेगा। उसके बाद हम लोग आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो मंडे से फ्राइडे चलेंगी, सैटरडे को आपकी करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी। इसके साथ हम हर मंथ बच्चे को करंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। करंट अफेयर्स हमें पढ़ने के लिए हम लोग बच्चों को हर मंथ मंथली मैगजीन देते हैं, जो कि कंपाइलेशन होता है बहुत सारी रिसोर्सेज का, जैसे कि PIB, PRS योजना, कुरुक्षेत्र, ये सारी मैगजीन्स और जितनी भी गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स है सबका कंपाइलेशन एक मैगजीन में मिलेगा आपको, जो आपको हर मंथ मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के ईयरली मैगजीन भी मिलते हैं, साल का करंट अफेयर्स भी होता है, तो वो हमने 3 parts में डिवाइड करके आपको 4-4 महीने के गैप में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस देते हैं। जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हमने आसान बनाने के लिए, उनका टाइम सेव करने के लिए 2 newspapers, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का कंपाइलेशन, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स एक जगह पे कंपाइल करके हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही आपके 4 से 5 महीने बाद, आपकी NCERT का बैच शुरू होने के बाद और प्रीलिम्स और मेंस का बैच शुरू होने के बाद एडवांस में, हम उसके 4 से 5 महीने बाद आपका CSAT का बैच शुरू करते हैं। CSAT मेनली कंटेन्स रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका प्रीलिम्स का GS का पेपर चेक हो सके। इसलिए इसको हमने 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड दिया है, ताकि बच्चे को जो टिप्स और टेक्निक्स हैं वो याद रहे, वो फ्रेशली माइंड में रहे उनके, और वो जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना उनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो क्लासेस में भी कराए जाते हैं, प्लस हम उनको एक बुक प्रोवाइड करते हैं जो कि लास्ट 13 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ये आइडिया लगता है कि मेरा CSAT का पेपर आने वाला, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ तो मेरे आने वाले पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये एक आइडिया क्लास में दिया जाएगा, एवरी डे जब आप क्लास आएंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ये सब आपको एक क्लास में मिलेगा। इसके साथ ही हम लोग ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराते हैं। एवरी डे जब आप क्लास में आएंगे आपको क्लास में डेली नोट मेकिंग सिखाई जाएगी। देखिए, नोट्स मेकिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरी मेंस में मैं नोट्स के लिए इधर उधर मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए ना भटकूँ।
मेरे पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जो मैं मेंस में पढ़ूं और नेक्स्ट डे मैं अपना एग्जाम देके आऊं। इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट्स मेकिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, हम लोग नोट्स मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी फैकल्टी जो है प्लूटस आईएएस पे नोट मेकिंग आपको सिखाती है, आर्टिकुलेशन सिखाती है, हर एक आंसर को कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका बॉडी क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या होता है, वो सब कुछ आपको क्लास में सिखाया जाता है। उससे ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आइडिया लगना चाहिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। आपको क्वेश्चन मिल गया, बट क्वेश्चन मिलने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको डिमांड क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। आपको रेलेवेंट लिखना है, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आएंगे। वो जो आर्टिकुलेशन है, वो जो स्किल है, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, वो हर दिन आपको यहाँ पे कराई जाएगा, तब आपका वो स्किल, आंसर राइटिंग का जो स्किल है, वो डेवलप किया जाएगा विद एवरी डे। हमारी फैकल्टी आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, एसे राइटिंग हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रीलिम्स या मेंस हो, हर जगह आपके साथ आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। इसके साथ हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे इंटरव्यू का पैनल है जो आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करेगा। और अगर आपको जो आपके मंडे से फ्राइडे क्लासेस लगती हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, वो इंडिविजुअली आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।